हेलो दोस्तों आप सभी का उगीपुर क्लासेस में फिर से स्वागत है तो आज किस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के प्रमुख सूत्र को देखने वाले हैं अगर आप सभी सूत्र को पता कर सकते हैं अगर आपका सूत्र याद है तो आप किसी भी सवाल को आसानी से लगा सकते हैं जैसे कि चैप्टर में पहला चैप्टर है मापन मापन में आपको इतने याद करना है जैसे कि एक माइक्रॉन किसके बराबर होता है

पूरे दस घाते पंद्रह मीटर इसे लगभग दस घाते सोलह मीटर भी कहा जा सकता है किलोमीटर में देखें दस घाते तेरह किलोमीटर होता है अगर आप गति से बात करें अगर सेकंड पूछे तो एक सेकंड में माध्य सौर दिवस कितना होता है तो एक सेकंड में एक बटे छियासी हजार चार सौ माध्य सौर, माध सौर सेकंड होता है माध्य उसके बाद गति है तो गति से आपसे पूछा है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय आप सभी लोग जानते हैं औसत चाल का मतलब होता है सभी यानी किसी बस द्वारा चली गई कुल दूरी और कुल समय जितना और दोनों का भाग दे देते हैं तो औसत चाल निकल जाती है वेग का मतलब होता है एकांक समय में तय किए गए कि विस्थापन को वेग कहते हैं इसलिए वेग बराबर विस्थापन बटे समय हो जाता है उसके बाद औसत तो वेग क्या हो जाएगा औसत मतलब विस्थापन होना चाहिए वेग में तो कुल विस्थापन बटे कुल समय हो जाता है त्वरण पूछे त्वर का मतलब होता है कि वेग परिवर्तन की दर को हम कहते हैं त्वरण तो त्वरण वेग परिवर्तन की दर बटे समय होता है यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बराबर टी बटे टी होता है गति का समीकरण पूछे तो आप जानते हैं गति के तीन समीकरण होते हैं पहला समीकरण होता है भी बराबर यू प्लस ए दूसरा होता है एस बराबर हाफ यू टी प्लस हाफ तीसरा होता है भी यू प्लस एस। जहां भी होता है अंतिम वेग होता होता है है प्रारंभिक वेग होता है, होता है ये जो होता है त्वरण होता है और टी जो होता है समय होता है एस जो होता है दूरी होता है जो कि यहाँ पर आपने दिखाया गया नहीं नोट किया गया है उसके बाद आप देख सकते हैं एन सेकेंड में चली गई दूरी क्या होती है एस बराबर यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन होती है उसके बाद आप बल से देख सकते हैं बल का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन होता है तो बल द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है बल संवेदी बराबर यम भी होता है आप जानते हैं संवेदी बराबर है। बल बल यानी पूछे द्रव्यमान गुणे वेग परिवर्तन की दर बटे समय तो आपका ये परिवर्तन की दर को भी बल कहते हैं एक बात ध्यान से देखिए अगर पूछे संवेग परिवर्तन को क्या कहते हैं तो संवेग परिवर्तन को आप आवेग कहेंगे क्या कहेंगे संवेग परिवर्तन को आवेग कहेंगे लेकिन अगर आपसे पूछे संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं तो संवेद परिवर्तन के परिवर्तन की दर को बल कहते हैं ये माइनस का टूटी होता है तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि अगर संवेग परिवर्तन की दर पूछे तो आपको बल लगाना है अगर दर ना कहे संवेग परिवर्तन केवल कहे तो आपको आवेग लगा देना जैसे कि आवेग बराबर बल गुणे समय यानी कम समय में थोड़े ही समय में जितना बल लगता है उसी को कहते आवेग यानी संवेग परिवर्तन को ही कहा जाता है आवेग उसके बाद है बल आघूर्ण क्या है यानि भुजा की जैसे कि कोई हो गया, खोलते हैं बंद करते हैं तो वहां पर बल आघूर्ण लगता है जो आघूर्ण भुजा होती है जो हमें हैंडल लगाया जाता है वह बल की हैंडल जो होता है कि कवाड़ी से लगाए जाते हैं जो रिंग होता है वहां से दूध लगाते हैं ताकि हमें कम बल लगाए से टारक्यू कम लगे ताकि हमारा

पहला है कि कार्य बराबर क्या होता है कार्य को आप जान लीजिए बल गुड़े बल की दिशा में विस्थापन यानी बल गुड़े बल की दिशा यानी किसी वस्तु द्वारा बल की दिशा में लगाए गए विस्थापन को ही क्या कहते हैं कार्य करते हैं तो कार्य बराबर हो जाएगा बल गुड़े बल की दिशा में विस्थापन यानी W होता है यदि किसी कोण पर बल लगाया जाए तो इसका सूत्र हो जाता है एफ एस कॉश सीटा क्या होता है एफ एस कॉश सीटा होता है अगर हम शक्ति की बात करें तो एकांक समय में किए गए कार्य को पावर यानी शक्ति कहते हैं तो शक्ति पी बराबर कार्य बटे समय यानी डब्ल्यू बटे टी होता है एक एच पी बराबर होता है हाउस पावर बराबर सात सौ छियालीस वाट ये भी आपको याद करके करना है इसका जो मात्रक होता है जूल पर सेकेंड या वाट है

उसके बाद गुरुत्वाकर्षण से आप देख सकते हैं सभी फार्मूला को गुरुत्वाकर्षण एफ बराबर होता है जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर जो जी होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को जाकर दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं जो m1 एम टू होता है पिंडों का द्रव्यमान होता है और आर जो होता है पिंडों का गुणनफल यानी आर जो होता है क्या उनके बीच की दूरी होती है जी का मान सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन गुड़े दस गाते माइनस ग्यारह न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के स्क्वायर होता है जैसे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है अगर आपको गुरुत्वीय त्वरण पूछे जी स्मॉल जी जो होता है जी एम बटे आर स्क्वायर होता है एम पृथ्वी का द्रव्यमान और आर पृथ्वी की त्रिज्या होती है जी का मान नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है उसके बाद यू प्रारंभिक वेग अंतिम ऊंचाई के बारे में, में के बताता है अगर आपसे गुरुत्वाकर्षण के बारे में गति का समीकरण पूछे तो आप ये बता सकते हैं भी बराबर यू माइनस जी टी एच बराबर यू टी माइनस हाफ जे टी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एज यदि कोई वस्तु ऊपर नीचे से ऊपर जाती है तो यहाँ माइनस लगाएंगे ऊपर से नीचे आते हैं तो प्लस लगाएंगे सिंपल सा बात है उसके बाद बल गति की है द्रव बल गदकी दाब दाब बराबर यह बचे छतफल होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं प्रेशर यानी दाब कहा जाता है उसके बाद द्रव की गहराई में लगाया गया दाब होता है एच रोजी एसडीजी आज जो होता है द्रव की इस डेंसिटी होती है एस जो होता है ऊंचाई होती है यानी गहराई होती है हो जी हो जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है अगला फार्मूला देखिए सरल लोलक से आवृत्ति बराबर होता है एक बटे आवर्तकाल आवृत्ति आप जान सकते हैं आवर्तकाल का उल्टा होता है उसके बाद सरल लोलक का आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी होता है जहां एल होगा सरल लोलक की लंबाई जी होता है गुरुत्वीय तरंग का पूछे तरंग का वेग होता है वी बराबर n इनटू लैम्डा जहां n आवृत्ति होगा ही और भी लेमडा जो हो गया तरंग दर्द हो गया उषमा की बात करते हैं तो उषमा आप जान सकते हैं रेखी रेखी प्रसार गुणांक रेखी प्रसार गुणांक होता है डेलियल बटे एल इन टू डेल्टी यानी एकांक समय में जो किसी वस्तु की लंबाई में हुए परिवर्तन को रेखी प्रसार कहते कहते हैं, हैं प्रसार पूछे जिसे बीटा हैं तो डेल में एक अनुपात दो अनुपात तीन होता है और आपको यह सूत्र हमेशा याद करके रखना क्योंकि आपको ताप परिवर्तन में काफी मदद करेगा सी बाई टू बराबर बत्तीस बाई नाइन के माइनस दो सौ तिहत्तर बाई पाँच यानी सी जो होता है सेल्सियस होता है एफ जो होता फॉर हाइट के जो होता है केलविन होता है उसके बाद जो केलविन को अगर आपको सेल्सियस बदल रहा है डायरेक्ट लगा सकते हैं दो सौ तिहत्तर को जोड़ लेंगे जो क्यू होता है क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी होता है आपको इसको भी याद करना क्यों जो कि उसमा होता है एम दरमान होता है एस पदार्थ की विशिष्ट में होती है डेल्टी ताप होता है और क्यू बराबर एम एल होता है क्यू बराबर एम एल होता है यहाँ पर उसमा धाईता बराबर एमएस होता है दरम्यान का वास्तविक भार आप इसको भी अंदाजा लगा सकते हैं उसके बाद आप प्रकाश में चलते हैं प्रकाश में कौन कौन से फार्मूले बनते हैं तो प्रकाश में आप देख सकते हैं दो समतल दर्पणों के बीच प्रतिबिंबों की संख्या होती है तीन सौ साठ बटे ठीटा माइनस वन होता है उसके बाद गोली फोकस दूरी एफ बराबर होता है आर बाई टू और जो दर्पण का गोली सूत्र होता तो है वन बाई एफ बराबर वन बाई भी प्लस वन बाई यू जो भी होता है जो भी होता है प्रतिबिंब की दूरी यू होता है वस्तु की दूरी और एफ होता है फोकस की दूरी उसके बाद दर्पण का आवर्धन देख सकते हैं आई बाई ओ बाई बराबर माइनस वी बाई यू होता है और जो आवर्त होता है यू बराबर यानी और जो अपवर्तनांक होता है स्नेल का, 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 तो तो का फार्मूला हो जाता है अब विद्युत से सूत्र देख सकते हैं तो विद्युत से आप जानते हैं ओम का नियम भी बराबर आई इन टू आर होता है भी क्या होता है आई इन टू आर यानी बराबर आई बराबर आर भी कह सकते हैं क्यू बराबर आई इन टू टी होता है जो कि उलाम यानी क्या हो गया आवेश हो गया आवेश बराबर धारा उड़े समय होता है विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं रोयल एल बाई जीरो बराबर आर ए बाई एल होता है इस प्रकार भी लिख सकते हैं किसी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो सभी को सीरियल जोड़ देंगे आर वन आर टू प्लस आर्थिक समांतर क्रम में जोड़े तो उसका ए बटे बटे आर टू ए बटे आर्थिक अनुपात से आप जोड़ सकते हैं उसके बाद विद्युत धारा का जो उसमी प्रभाव होता है उसमें डब्ल्यू बराबर क्यू भी होता है भी फार्मूला को लगा सकते हैं सामर्थ्य में भी वही फार्मूला सेम होता है प्रभाव आप देख सकते हैं धारावाहिक चालक में सूत्र क्या होता है धारावाही चालक का सूत्र ये होता है म्यू बटे फोर आई आई डेल एल साइन ठीटा बटे आर स्क्वायर यहाँ पर जो कि इसका मान दिया माइनस सात न्यूट्रन प्रतिमीटर स्क्वायर नेतांक होता है आई धारा है डेल चालक की लंबाई है आर दूरी है ठीटा जो कि बना कोण हो और यहाँ पर लेंज का लारेंस बल देख सकते हैं क्यू बी एल साइन ठीठा होता है चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक बल होता है आई बी एल साइन ठीटा होता है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जिसे आपको याद करके ही जाना है एकांक लंबाई पर कार्य चुंबकीय बल ये होता है और कुंडली के लिए ए होता है और ट्रांसफार्मर के लिए ये होता है ये आप फिजिक्स के आपके बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले थे ये सभी आपको याद कर लेना है आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा